गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी सो प्लीज ओपन योर एसएसटी बुक इसमें हमने पढ़ा चैप्टर नाइन अवर एनवायरनमेंट इसमें आज हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स सी पार्ट देखें इसे कॉपी में क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट एसएसटी डेट 11 फेब 2021 और लेसन नेम है अव एनवायरनमेंट सी पार्ट हम कर रहे हैं फिलिंदा ब्लैंक्स ऑप्शन दिए गए हैं हमको सन कॉमा कंडेंसेशन कॉमा अर्थ कॉमा इकोसिस्टम ठीक है तो फर्स्ट देखते हैं एन डैश जनरली कंटेन्स मैनी काइंड ऑफ लाइफ एन डैश जनरली कंटेन्स मैनी काइंड ऑफ लाइफ तो एन

किसकी हीट करती है गर्म पानी को सन किसकी सन सूरज की जो गर्मी होती है हो, पानी को क्या करती है गर्म करती है ठीक है थर्ड है इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल वाटर साइकिल का पार्ट कौन सा है वाटर साइकिल का पार्ट है कंडेंसेशन क्या है कंडेंसेशन इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल फोर्थ है द वाटर साइकिल कंस्टेंटली रिफिल्स द डैश सप्लाइज ऑन अर्थ तो यहाँ पे क्या आएगा द वॉटर साइकिल कॉन्स्टेंटली रिफिल्स द वॉटर सप्लाई ऑन अर्थ जो वाटर साइकिल होता है वो रिफिल uh, करता रहता है किसकी सप्लाई को पानी की सप्लाई को ठीक है लास्ट है इसमें फिफ्थ नंबर द हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स ऑल द वॉटर ऑन द डैश सरफेस जो हाइड्रोस्फेयर होता है वो उसमें क्या इंक्लूड होता है वाटर इंक्लूड होता है किसके सरफेस पर ऑन द अर्थ सरफेस तो लास्ट फिफ्थ में आएगा, आएगा आपका अर्थ सरफेस ठीक है तो सिर्फ इतना ही काम मैं आपको करवा रही हूँ आज इसे आपने अपनी कॉपी में करना है अच्छी सी हैंड राइटिंग में ठीक है और साथ ही इसे आप लर्न भी करिएगा